भारत के इस ऐतिहासिक कामयाबी के पीछे इसरो के सैकड़ों वैज्ञानिकों का संयुक्त प्रयास है, लेकिन खास करके ये 5 वैज्ञानिक इस पूरे मिशन के चेहरे बने हुए थे। आइए आज के वीडियो में इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। नंबर 1, एस सोमनाथ, इसरो चेयरमैन। कहा जाता है कि भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन के पीछे एस सोमनाथ की बड़ी भूमिका है। गगनयान और सूर्ययान आदित्य L1 समेत इसरो के अन्य अंतरिक्ष अभियानों को रफ्तार देने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। इसरो के प्रमुख की जिम्मेदारी निभाने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन और लिक्विड प्रोपोर्शन सिस्टम स्टेट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। लिक्विड प्रोपोर्शन सिस्टम सेंटर मुख्य रूप से इसरो के लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करता है। जब चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया उस समय एस सोमनाथ ने कहा था, थैंक यू आदरणीय प्रधानमंत्री जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी टू दिस सक्सेस एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक द पीपल बिहाइंड दिस मिशन। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के लिए अगले 14 दिन महत्वपूर्ण होंगे। नंबर 2, पी वीरामुत्तुवल, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। इसरो के अलग अलग सेंटर और चंद्रयान 3 के सभी काम इन्होंने ही संभाल रखे थे। 2019 में इनको इस मिशन का इंचार्ज बनाया गया। मून मिशन शुरू होने से पहले ये इसरो के मुख्यालय में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिसर में डिप्टी डायरेक्टर थे। ये अपने बेहतरीन टेक्निकल हुनर के लिए जाने जाते हैं। वीरामुत्तुवल ने चंद्रयान 2 मिशन में भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने नासा से भी तालमेल बैठाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे तमिलनाडु के विल्लपुरम के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई IIT मद्रास से कंप्लीट की है। वीरामुत्तुवल लैंडर के एक्सपर्ट हैं और विक्रम लैंडर के डिजाइन में इनकी खास भूमिका रही है। नंबर 3, कल्पना के, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर। कल्पना के ने चंद्रयान 3 के टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे सारे चुनौतियों का सामना करते हुए मिशन के काम को आगे बढ़ाया। भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम्स के पीछे इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। इन्होंने चंद्रयान 2 और मंगल मिशन में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। कल्पना ने पत्रकारों से कहा, गुड इवनिंग टू ऑल, दिस विल रिमेन द मोस्ट मेमोरेबल एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर आवर टीम चंद्रयान 3। वी हैव अचीव्ड आवर गोल फ्लॉलेसली From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. नंबर 4, एम संकरन, UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर। इनकी टीम इसरो के लिए सभी सैटेलाइट्स को बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। चंद्रयान 1, मंगलयान और चंद्रयान 2 सैटेलाइट के निर्माण भी इनके टीम ने ही किया था। चंद्रयान 3 सैटेलाइट का तापमान संतुलित रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संकरन की ही थी। असल में सैटेलाइट के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया का बेहद अहम हिस्सा होता है। उन्होंने चंद्रमा की सतह का प्रोटोटाइप तैयार करने में मदद की थी, जिस पर लैंडर को टिकाने का परीक्षण किया गया था। नंबर 5, एस उन्नीकृष्णन नायर, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन डायरेक्टर। एस उन्नीकृष्णन केरल के तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के प्रमुख हैं। वो और उनकी टीम इस अहम मिशन के मुख्य संचालन के लिए जिम्मेदार थे। GSLV Mark 3, जिसे लॉन्च व्हीकल Mark 3 नाम दिया गया था, इसे भी विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन में ही तैयार किया गया था। तो ये थे वो 5 चेहरे जिन्होंने इस मिशन में अहम भूमिका निभाई थी। वैसे इसरो के पूरे टीम ने ही अपना अपना योगदान देकर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।